मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो है मसल्स वीक होती हैं, जो एक मूवमेंट होती है बॉडी की, जिसको करने में कोई जो एक नॉर्मल पर्सन होता है या जिसको इस तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, मसल्स जिसकी स्ट्रेंथ होती है जिसकी मसल्स में, तो वो आराम से ये जो है जो भी एक्टिविटी होती है, जैसे बैठ के उठना है चलना है, ये अपनी बॉडी की जो मूवमेंट है उनको करने में कोई खास उसको परेशानी नहीं होती। और बहुत ज़्यादा भी देखा गया है कि हम दिन में पूरा दिन चलते रहते हैं, अपने दूसरे जो भी काम होते हैं वो करते रहते हैं, लेकिन मसल्स के ऊपर कोई भी खास जो है जोर नहीं पड़ता है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है कि जिन लोगों को अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम नहीं है, मसल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उनमें क्या होगा कि अपने जो भी काम होंगे, अपनी जो भी मूवमेंट होगी बॉडी की, चलना है, बैठ के उठना है, कोई सामान उठाना है, या जीने पे चढ़ना है, या साइकिलिंग करनी है, या दौड़ लगानी है, ये सब काम करने में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, जिनकी मसल्स जो हैं वीक होने लगती हैं, तो ये बैठ के उठना, चलना, इस तरह की जो मूवमेंट होती हैं बॉडी की, जो वॉलेंट्री मूवमेंट होती हैं, इनको करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। स्टार्टिंग में जो सिम्टम होते हैं वो यही होते हैं कि थोड़ी थोड़ी परेशानी महसूस होती है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो उसमें क्या है कि अगर कोई जीना चढ़ना है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बैठ के उठना है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जिस चीज़ में मसल्स का एफर्ट पड़ता है, मसल्स से जोर लगता है, वो काम करने में जो है परेशानी होती है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्योंकि एक डिसऑर्डर है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है जिसमें मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, और ये प्रोग्रेसिव होती है, तो टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है। क्योंकि जो प्रोटीन मसल्स की ताकत के लिए ज़रूरी होता है, वो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता, और ये प्रोटीन अगर जो होता है बॉडी में तो वो यूटिलाइज हो जाता है, और आगे इस प्रोटीन की सप्लाई नहीं होती, तो ये मसल्स जो हैं वीक होने लगती हैं, और मसल्स आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होती हैं, डैमेज होती हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वीक हो जाती हैं। क्योंकि जो भी वर्क हम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसमें मसल्स की ताकत ही जो है लगती है। मस्कुलर बॉडी अगर किसी की होगी तो वो हैवी से हैवी काम भी जो है आराम से करेगा, लेकिन अगर मसल्स ही वीक होंगी तो छोटा काम करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो ये एक सिम्टम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, कि मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, छोटा मोटा काम करने में भी परेशानी होती है, वॉलेंट्री जो भी मूवमेंट होती हैं उनको करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस तरह की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इसको हम जांच कर सकते हैं, जो कि सीपी के क्रिएटाइन फॉस्फोकाइनेस एक एंजाइम होता है, जो मसल्स डैमेज होती हैं, वीक होती हैं, उसकी वजह से ये जो है इसका लेवल जो है ब्लड में बढ़ता है। तो सीपी के टेस्ट करा के पता चल सकता है कि मसल्स में किसी तरह की डैमेज है या मसल्स वीक हो रही हैं। तो ये टेस्ट हम करा के इससे एक आइडिया हमें मिल जाएगा कि मस्कुलर प्रॉब्लम है या किसी दूसरी तरह से या किसी दूसरी वजह से जो है हमारी जो मूवमेंट है उसमें हमको परेशानी हो रही है।